हम लोग आए हैं बाहर कुछ खाने पीने, बाहर कुछ खाने पीने, और अब हम लोग अब स्पार्क करके अब बस बाहर निकलने ही वाले हैं। अभी मेरे कजन का फोन आया है तो मेरा भाई बात कर रहा है उससे, चलो बाद में बात करते हैं आप सब लोगों से। आ चुके हैं और मम्मी कुछ कहना चाहती हो? कहना चाहूंगी कि हम आए हैं कुछ खाने पीने और अभी डिसाइड नहीं है हम क्या खाएंगे। हाँ बस आ गए हैं, पार्क कर दिए कार और बिल्कुल, और हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही खाएंगे सब खाना, मिलके खाएंगे जो भी खाना है, आपको भी खिलाना है, खाना है बांट के खाना है। तो ये सब जा रहे हैं, तो मम्मी जा रही है मेरी कजन्स के साथ और मैं थोड़ा लेट हो गई जाने में, नहीं आ पाती ना। नहीं ये सब तो छोड़ो, मम्मी कुछ कहना चाहती हो? अब धीरे धीरे ना हमें भीड़ बढ़ जाएगी और हम सभी आ गए हम घर से। तो मम्मी का जो फेवरेट सा रहता है ना, फेवरेट जैसा रहता है ना, वो रहता है बर्गर। मेरी कजन ना हंसी उड़ा रही है, मैं मम्मी को ऊपर बिल्कुल चढ़े जा रही हूँ। अब मेरा भाई देखने जा रहा है। अब हमारा बर्गर आ चुका है, उसकी सैलेड आ चुकी है, मैं नहीं ले रही। नहीं नहीं ठंड हो, गला पकड़ जाएगा एकदम। और मम्मी अपना नहीं नहीं गला पकड़ जाएगा एकदम। और मम्मा खाएंगी ये बर्गर। तो ये मेरा बर्गर वाइट आप सबके लिए, और डिलीशियस बर्गर हो गया। देख इधर आ चुके हैं और मम्मी बहुत लेट हो चुकी है खाते खाते, बहुत देर में खाती है धीरे धीरे करके मम्मी। अभी कहीं ना दूसरी जगह भी ऑर्डर करना है ये खाने के बाद में, तो आप तो लेट कर रही हो ना खाने में। मम्मी बैठ गई हैं यहाँ पे नूडल खाने के लिए, क्योंकि मम्मी हम लोगों का काफ़ी दिनों से बहुत मन हो रहा था खाने का, तो मम्मी यहाँ बैठ गई है। मैं दिखा देती हूँ हम कहाँ पे खा रहे हैं। हमने मंगाई है आज सिंगापुरी नूडल्स, मम्मी को यही पसंद है सिंगापुरी नूडल्स। और मेरी कज़न्स जो है वो कुछ पढ़ रही हैं फिर से आप लोगों के लिए। वो तो मंगा लो, अच्छा मंगा लीजिए, खा के फिर बात करते हैं आप सब से। सबकी मतलब प्राइस थी सिंगापुरी नूडल की, तो इसलिए सब आते आते में जी चलो मैं देखती। तो हमारा हो चुका है खाना पीना, अब हम सोच रहे हैं थोड़े से आइसक्रीम पापा के लिए भी लेके चलें, घर में ही बैठ के खाएं, क्योंकि घर में बैठ के जब तक ना खाएं ना तब तक मज़ा नहीं आता। और मम्मी ने पापा के लिए ना बर्गर पैक करवा लिया, अब जब खाएंगे तब भी खाएंगे। और आइसक्रीम की मतलब इच्छा है क्योंकि मिर्ची बहुत मिर्च लग रही है। जा रहे हैं वापस घर, मम्मी 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 इधर देखो एक बार कैसा लग रहा है। हाँ मम्मी इधर है, मेरी कजन्स बैठे पड़े हैं, वो चुपचाप आए थे अच्छे बच्चों की तरह, चुपचाप जा रहे हैं अच्छे बच्चों की तरह। आई जी कुछ कहना चाहोगी आज की डिनर के लिए? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मजा नहीं आया ऐसे। अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी कुछ और आने वाला है। यस अभी और कुछ खाने वाले हैं। हाँ देखेंगे अब जाके, देखते क्या खाएंगे। नहीं चिल्लाओ, अब घर जाके मिलते हैं आपसे। आए थे और मनाली फिर से मम्मी बस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हम सबको, हम वेट कर रहे हैं खाने का। मम्मी पापा को अपने पास बुला रही हैं बात करने के लिए। मम्मा पापा को दूसरी बार डांट रही, चेहरे से दिख रहा है। नहीं डांट नहीं रही थी, बुला रही थी पास। ये ऐसे ही करता रहे, ये तो ये ऐसे ही मस्ती करता रहता है। और हम सब अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग।